नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ। MGPRU बरेली यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, एडमिशन 2 दिन और बढ़ाई गई। पोस्ट ग्रेजुएशन में पंजीकरण की तिथि 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक पोर्टल पर होंगे पंजीकरण। जमा करनी होगी फीस 5 अक्टूबर तक बढ़ाई आवेदन तिथि। तो आपको मैं पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ। चल रही प्रवेश प्रक्रिया जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 2 दिन का और मौका मिला है। प्रवेश समन्वयक ने अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। पोर्टल बंद होने के बाद सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा, साफ बोला गया है। तो दोस्तों अपना सही तरीके से करें, आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तक 2908 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, 2829 ने फीस जमा कर दी है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी परिसर में संचालित MSc के विभिन्न पाठ्यक्रमों के आवेदन की तिथि 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। MSc की आवेदन की तिथि 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, 30 सितंबर तक आवेदन के लिए निर्धारित की गई थी। अब तक विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सके, इसके लिए विद्यार्थियों 5 अक्टूबर तक का समय दिया गया। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। विभिन्न प्रोफेशनल की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आपको बता दूँ सभी ज़्यादातर आपका देखिए आपका हो गया BCom कंप्यूटर्स ऑनर्स, BCom ऑनर्स, गृह विज्ञान, कंप्यूटर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BEd, MEd, BPed, MSc प्रथम वर्ष, BLed प्रथम वर्ष देती है। और आपके MCom जो प्रूवर देना मुख्य परीक्षा थी वो भी है ना MA परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। इसके अलावा प्रशासनिक के पाठ्यक्रमों का भी परिणाम घोषित किया गया है। तो देख लीजिएगा वेबसाइट पर कौन कौन से परिणाम आपके घोषित हो चुके हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।